नमस्कार, मैं कुंदन कुमार। आपको मैं बता दूं कि इस चुनाव में जितने भी लीडर, जितने भी प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, उनको अकेला ही देखा जा रहा है। कारण बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब जो है नेताओं के प्रति लोगों की रुचि जो है वो कम होती चली जा रही है, और जो राजनीति जो है वो मुद्दा विहीन होता चला जा रहा है, जिसके कारण जो है अब कोई भी प्रत्याशी जो है वो अकेला घूम रहा है। यहाँ तक कि कोई भी बड़े लीडर्स भी आ रहे हैं, वहाँ भीड़ जुटाने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कैडर्स की भीड़ सबसे ज़्यादा देखने को मिला, और आम जन जो है इससे कहीं ना कहीं उनकी रुचि कम होते चली जा रही है। आइए, हम यहाँ पे बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स लीडर्स भी हैं, एक्स स्टूडेंट्स लीडर हैं, पूर्व छात्र नेता हैं, और अभी आम जन लोग हैं, उनसे पूछने के लिए एक बात बताइए कि आखिर क्या कारण है कि अब मुद्दा विहीन होता चला जा रहा है पूरा पॉलिटिक्स। अभी का जो राजनीति है, उस राजनीति में ऐसे ऐसे व्यक्ति लोग आ गए हैं जो सही ढंग से जनता के बीच में ना वो जा रहे हैं, ना वो काम कर रहे हैं, नहीं इनके पास कोई मुद्दा अभी है ही नहीं। किस मुद्दा को लेकर के वो काम कर रहे हैं? आज से पहले के ज़माने में जो काम होता था या उम्मीदवार जो घूमता था तो उसको लोग परस्पर माने एक दूसरे तरीके से देते थे। अभी उम्मीदवार आ रहा है, जा रहा है, उसका कहीं कोई महत्व नहीं है। कोई भी नेता, मान लीजिए कि राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेता के देखने के लिए या उनका वक्तव्य को सुनने के लिए भी किसी भी व्यक्ति में रुझान नहीं है। ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ पर सुनाने के लिए धो करके ले जाया जा रहा है, तब वो भाषण सुन रहे हैं या उसका वक्तव्य को सुन रहे हैं। अभी जो बुनियादी मुद्दा सब है, बुनियादी मुद्दा में बहुत तरह का काम ऐसा है जो धनबाद में, धनबाद से लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में जो स्थिति बना हुआ है, केवल जातीयता का स्थिति बना हुआ है। जात में अलग अलग लोगों को बांट दिया गया है, अलग आज कोई ये फलना जाति का है तो कोई इस जाति का है, तो जातीयता में बांट करके लोगों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया है। और अपनी राजनीति का गोटी सेकने का काम ये लोग कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, आम जनता इससे त्रस्त है। तो आप सुने, लोगों का कहना है कि अब जो पॉलिटिशियन है, जो प्रत्याशी कैंडिडेट है, वो मुद्दा विहीन बन गए, क्योंकि बिजली पानी और सड़क ही खाली मुद्दा नहीं होना चाहिए, रोजगार जो है, रोटी रोजी जो है वो भी अहम मुद्दा होना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा जो है इन दिनों गौण नजर आ रही है। आप एक बात बताएं कि आम जन क्या चाहती है? आम जन चाहता है कि उसका जो भी प्रतिनिधि हो उन लोगों के बीच रहे, हर समस्या में, छोटा मोटा समस्या में भी वो उसके साथ खड़ा नजर आए। लेकिन यहाँ पर तो वोट की राजनीति है, आप भी जान रहे हैं, ध्रुवीकरण भी है, तो ये भी है, वो भी है, प्लस इस और एक विधायक कोटा, सांसद कोटा भी है जो युवाओं को अपंग बना दिया है, और उसके कारण भी यहाँ के जनप्रतिनिधि के पास हमेशा 10-20 लोग नज़र आते हैं, क्योंकि उनको विधायक कोटा करना है, बेरोजगार युवा है, एक कारण से भी उनके पास 10-20 लोग के अलावे लोग नज़र नहीं आते। अभी भी देखिए, आपके वर्तमान विधायक जो हमारे हैं अकेले घूम रहे हैं, 10 साल जो विधायक जनप्रतिनिधि रहेगा उसके साथ जनता नहीं रहेगी। ठीक है, पत्रकार लोग को भी, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि जनता को, लोग जानता है जनप्रतिनिधि की जनता क्या है, इसका मजबूरी हमको वोट देगा, हम इन लोग के काम करें या ना करें, और इसलिए जनता का रुझान खत्म है, युवाओं का रुझान खत्म है। और ये चुनाव मतलब ये तो नहीं होता कि ये मरा हुआ चुनाव, धनबाद विधानसभा का चुनाव लग रहा है कि मरा हुआ चुनाव है, इसमें कोई दिलचस्पी युवाओं को नहीं है, ना बुजुर्गों को है, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि है ही नहीं वैसा कि जिसके प्रति लोगों का अपना आप एगो आत्मे बल रहे, आत्मे से मन रहे कि हम अपने से जाकर वोट करके आवे। ये यहाँ यहाँ के प्रतिनिधियों के प्रति ऐसा कोई रुझान आम जनता में नहीं। पहले लोग जो है चुनाव को एक पर्व के तरह देखते थे कि 5 साल के बाद ये पर्व आया है, और लोगों का रुझान रहता था। कई लीडर्स जो है, बड़े बड़े लीडर्स आते थे तो लोग जो है लीडर्स के 2 घंटा पहले आकर मैदान में जुट जाते थे, लेकिन अब जो है जितने भी VIPs आ रहे हैं, वो चाहे मोदी हो, राहुल गांधी हो, इन दोनों को छोड़कर कोई भी ऐसा लीडर्स धनबाद में, कोयलांचल में कदम रखे हैं भीड़ जुटाने में, प्रत्याशियों को बहुत ही मुश्किल होता है। कारण क्या है, आप क्या देखना, क्या इस क्या मानते हैं? कारण कि आदमी का रुझान जो है ना, वो चुनाव के प्रति कम हो गया है, जिसके कारण भीड़ कम हो रहा है और सभी एक दूसरे में बटे हुए हैं। जब तक एकजुटता नहीं आएगी तब तक जो है कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। और क्या क्या आपको क्या लगता है कि किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, पॉलिटिक्स में क्या बदलाव क्या होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव चाहिए। यहाँ पर कोई, जैसे रोजगार की बात करते हैं, रोजगार को कोई व्यवस्था कहाँ है? जो अपना जो लीडर बन रहे हैं उसी का आदमी कमा रहा है, खा रहा है, दूसरे कोई व्यवस्था हो नहीं रहा है। तो सभी को देखना चाहिए, जनता के प्रतिनिधि है तो प्रत्येक जनता के आम ये तक जाना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए।
मुद्दा जो है सड़क बिजली पानी को छोड़कर और आगे कहीं नहीं बढ़ पा रहा है, और कई ऐसे युवा है और कई ऐसे गार्जियन है जिनके बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, झारखंड छोड़कर बाहर जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि झारखंड कोयलांचल में 3 ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहाँ पे खासकर झारखंड के स्टूडेंट्स जो है उनका आज तक एडमिशन नहीं हुआ। आपको नहीं लगता है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो यहाँ पे है, ISM जो है, जो अब IT कहलाता है, लेकिन धनबाद के स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं एडमिशन होता है, क्या कारण है? आप एक बात बताइए। नहीं, समय पे रिजल्ट नहीं होना झारखंड का सबसे बड़ी बात है। किसी भी मंत्री के द्वारा ही नहीं होता है कि झारखंड का बच्चा का समय पे रिजल्ट हो ताकि उसका एडमिशन हो जाए। बच्चा पढ़ लेता है, एक एग्जाम के लिए 55 फॉर्म भर रहा है, लास्ट में उसको यही मिलता है कि सरकार हमारी आएगी तो तुमको 1,000 रुपया महीना देंगे, दूसरी सरकार आएगी तो 2,500 रुपया महीना देंगे, लेकिन एक फॉर्म भरने में 5 उसको समय लग जाता है। ये तो युवा छात्र का है। और क्या बदलाव होनी चाहिए अभी के पॉलिटिक्स में, क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहला बात है कि जो आज जो बच्चा रिजल्ट निकाल लिया है, 5 जो बैठा दिए हैं, उसका उम्र खत्म होने वाला है, पहले उस पर विचार कर तो ले सरकार कि जो बच्चा कोरोना के समय से 5 का उम्र बर्बाद किया, वो आगे चल के किस विभाग में जाकर नौकरी मांगेगा? उसको तो आप 1,000 रुपया महीना दे रहे हैं, 2,500 रुपया महीना दे के बैठा दिए, कहाँ है शिक्षा, कहाँ है रोजगार? लास्ट में उसको यही मिलता है कि सरकार हमारी आएगी तो तुमको 1,000 रुपया महीना देंगे, दूसरी सरकार आएगी तो 2,500 रुपया महीना देंगे, लेकिन एक फार्म भरने में 5 उसको समय लग जाता है। ये तो युवा छात्र का है। और क्या बदलाव होनी चाहिए अभी के पॉलिटिक्स में, क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहला बात है कि जो आज जो बच्चा रिजल्ट निकाल लिया है, 5 जो बैठा दिए हैं, उसका उम्र खत्म होने वाला है, पहले उस पर विचार कर तो ले सरकार कि जो बच्चा कोरोना के समय से 5 का उम्र बर्बाद किया, वो आगे चल के किस विभाग में जाकर नौकरी मांगेगा? उसको तो आप 1,000 रुपया महीना दे रहे हैं, 2,500 रुपया महीना दे के बैठा दिए, कहाँ है शिक्षा, कहाँ है रोजगार? एक बात बताइए कि आप एक समय था कि आप स्टूडेंट लीडर कहलाते थे धनबाद का, आज लीडरशिप क्यों, स्टूडेंट्स लीडरशिप में कमी क्यों आ गई है, क्या कारण है? क्योंकि जो भी बच्चा अभी कॉलेज में जा रहा है, दाखिला ले रहा है, और उसको राजनीति का हवा जो अभी MLA MP जो है उन लोगों के पीछे दौड़ने लगता है, या तो वो पैसे के पीछे दौड़े या तो उसके रुतबा के पीछे दौड़े, मैंने कारण सब यही रहा कि अभी पहले का जो छात्र है आज का वो छात्र नहीं रह पाया है, पहले का जो ज़माने में जो छात्र थे या जो ताकत था उनके पास, वो केवल मुद्दा ले करके ही लड़ते थे, उसमें पैसा वगैरह कोई फैक्टर नहीं था। हम लोग तो साइकिल से घूम करके हम लोग लोगों को जुटाते थे और भीड़ जुटाते थे, साइकिल से घूम करके या पैदल घूम करके लोगों को ले जाते थे, या दूसरा कोई वाहन से उस तरह से का व्यवस्था हम लोग करते थे, और हजारों हजार का भीड़ का जुटान करके हम लोग प्रदर्शन और रैली निकालते थे उस समय। लेकिन अभी का समय में पैसा के बिना अभी कुछ होने ही वाला नहीं है, पैसा देगा तभी कोई कार्य माने कि कोई जाएगा उसमें, या उसको ले करके जाया जाएगा, उसको खिलाया पिलाया जाएगा, तब ये ट्रेंड जो है राजनीतिक पार्टी लोग खराब कर दिया। अभी जो वर्तमान में है, जो राजनीतिक पार्टियां जो है BJP और कांग्रेस जो कह रहा है कि हम 2100 देंगे तो हम 2500 देंगे, हम 1000 देंगे तो हम 2000 देंगे, तो ये क्या मदारी का खेल है क्या? क्या मदारी का खेल करवा रहे हैं? ये पैसा इस तरह का माने व्यवस्था जो है ये सही नहीं है, पैसा का मुद्दा नहीं आना चाहिए। आपको मैंने जनता को लालच और लोभ नहीं देना चाहिए। हाँ, जनता को लालच और लोभ दे करके आप इस तरह का काम क्यों गलत करवा रहे हैं? आप जो बुनियादी जो जरूरत का मुद्दा है उस मुद्दा पर लेकर के आप काम कीजिए ना। शिक्षा का व्यवस्था है, शिक्षा का व्यवस्था सही कीजिए। आप ISM को जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस पूरे देश भर में उसका नाम था, विदेश का लोग उसमें पढ़ने के लिए आता था। अब ISM को जो है नया IIT क्यों नहीं बनाया है आप, उसको कन्वर्ट क्यों कर दिए उसमें, ये भी तो एक मुद्दा है। अरुण जी, पहले जो है कोयलांचल में मजदूर और स्टूडेंट्स जो है वो पॉलिटिक्स में कोई भी जब चुनाव होती थी तो उसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर होता था मजदूर और स्टूडेंट, लेकिन आज जो है चुनाव में कहीं भी मजदूर और स्टूडेंट का नज़र कहीं भी नज़र नहीं। देखिए, कारण एक तो स्टूडेंट के जहाँ तक है, युवाओं के जहाँ तक बात है, तो जब से हमने पहले भी बताया अभी भी बता रहे हैं, ये
जो लोभ लालच के ना, जो विधायक के पास जाएंगे तो कुछ रोजगार हमको पैसा मिल जाएगा, कोई काम मिल जाएगा, तो युवाओं को इन लोगों ने ऐसा दिग्भ्रमित करके युवा पीढ़ी को इस तरह ये लोग बर्बाद कर दिया है, जिसे कहता ना कि एक नशा से युवा बर्बाद होता है, उससे भी खराब तरीका से अगर युवा बर्बाद होता तो इन नेताओं के चक्कर में आज हमारे धनबाद का आप देखिए, धनबाद में कोई भी चीज़ है, यहाँ का युवा पीढ़ी के पास क्या है बताइए? प्राइवेट अगर कहीं जॉब वो करता है उसके अलावे एक भी बताइए कि जो युवाओं के लिए कुछ यहाँ पर यहाँ के MP MLA किए हों। ठीक है, यहाँ MP MLA वो लोगों को मालूम है कि ये वोट हम को देंगे, और यहाँ तक मजदूर का बात है, पहले छात्र मजदूर में एकता इसलिए भी थी कि पहले BCCL के कर्मचारी थे तो वो सरकार के कर्मचारी थे और वो मतलब स्वतंत्र थे, आज आउटसोर्सिंग है, आज सारा मजदूर उस आउटसोर्सर के बंधन में बंधा हुआ है, वो जानता है मजदूर कि अगर हम जहाँ ये आउटसोर्सिंग के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा नौकरी चला जाएगा, तो वो भी खत्म कर चुका है इन लोगों ने। यानी अब आप चाह के भी मजदूर और छात्र और युवाओं को एक साथ नहीं ला पाएंगे, इसका कारण राजनीतिक पार्टियों ने अच्छा तरह से व्यवस्था करके रखा। अब ये जनता और युवा और मजदूर को सोचना होगा कि चुनाव के समय भी हम इसी तरह बंधे रहेंगे कि अपना विकास के लिए अपने जनप्रतिनिधि को ऐसा बनाने के लिए कि उसकी मजबूरी हो कि वो जनता के बीच आवे, इस तरह का तो निर्णय जनता को लेना होगा, युवाओं को लेना होगा, तभी ये बदलाव आएगा। यही कारण है कि प्रत्याशी आज अकेला घूम रहा है, यही कारण है कि आज प्रत्याशी अकेला घूम रहा है, और वो निश्चिंत होकर घूम रहा है कि हम 1,00,000 वोट से जीत रहे हैं, उसके पास आदमी नहीं है लेकिन उसको निश्चिंतता है, और हम भी जान रहे हैं कि वो 1,00,000 से जीत रहे हैं, इसमें कहीं तक मतलब नहीं है। जैसे वो सोच रहे उससे हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग तो भाई दे देना है वोट। तो आप सोच सकते हैं कि देश की कोयला राजधानी जो कभी मजदूरों की पॉलिटिक्स से जो है सरकार बदलती थी, स्टूडेंट्स जो है वो चूना करते थे अपने प्रत्याशी, लेकिन इन दिनों पॉलिटिक्स में कितनी चेंजिंग हो गई है, कितना बदलाव आया है और मुद्दा विहीन हो चुकी है राजनीति। समाचार प्लस के लिए सहयोगी अमित के साथ कुंदन सिंह।